क्या कर्मचारियों की तर्ज पर विधायकों और सांसदों की पेंशन बंद की जानी चाहिए? हम कहते हैं जिसने अपना पूरा जीवन दिया है सरकार को चलाने के लिए, सेवाओं को प्रदान करने के लिए, आप क्यों छीन रहे हैं? आप बताइए, विधायक और मंत्री वो कितना कार्य कर लेते हैं? ठीक है, चुने हुए हैं, उनकी जिम्मेवारी है, लेकिन आप जो सड़क में काम करने वाला मजदूर है, जो दफ्तरों में काम करने वाला बाबू है, जो बिजली पहुंचाता है, पानी पहुंचाता है, आप उसको पेंशन से कैसे वंचित करेंगे? अगर उसको वंचित करेंगे तो आपको विधायक और मंत्री की पेंशन कभी भी जस्टिफाई नहीं की जा सकती। नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के बैनर तले आगरा कैंट स्थित रेलवे कम्युनिटी हॉल में सम्मेलन आयोजित किया। सम्मेलन में रेलवे कर्मचारियों और राज्य कर्मचारियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। सम्मेलन में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की और एनपीएस को निरस्त करने की मांग रखी गई। ये 60 लाख नौजवान एनपीएस के अंतर्गत जो है अपने बुढ़ापे के लिए आपसे न्याय मांग रहा है और हमारा संवैधानिक हक है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि 60 लाख नौजवानों की उनकी पुकार को सुनिए। आप मन की बात करते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ आप पेंशन की बात करें। और मैं नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि हमारा हक मिले। अगर एक दिन का एनपीए मिले, पुरानी पेंशन का हकदार है, तो हमारा नौजवान, हमारा जो कर्मचारी है, जो देश को चलाता है, देश के लिए दिन रात एक करता है, 60 साल लोग अपनी नौजवानी का देता है और बुढ़ापे में दूसरे कंपनियों के पास जाकर हाथ कटोरा लेता है, ऐसी बात नहीं है। और एक बात जरूर कहता हूँ, अगर वेलफेयर स्टेट है तो बिजनेस स्टेट इसको ना बनाइए और पूरा पुरानी पेंशन बहाल करिए। एक सूत्री मांग पर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है, सारे विभागों के नौजवान उतर रहे हैं और जो लोग पेंशन के अंदर हैं वो सारे लोग भी इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं। बहुत सारे हमारे लोग जो पेंशन प्राप्त कर रहे हैं लेकिन फिर भी इस आंदोलन में साथ दे रहे हैं। इस आंदोलन की बहुत बड़ी जीत है और आज तो रेलवे इतना बड़ा हुंकार दिया है, रेल अगर रुक जाएगा तो माननीय प्रधानमंत्री देश चलाना मुश्किल होगा। आप पुरानी पेंशन बहाल करें, यही निवेदन है मेरा। एनएमओपीएस का कहना था कि पेंशन नहीं मिलने से कर्मचारियों को बुढ़ापे में बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लिहाजा सरकार को नई पेंशन स्कीम को निरस्त करना चाहिए। शेयर मार्केट ढेर है वो, और जिस प्रकार हमारे इन्वेस्टमेंट को रिटर्न मिलता है उसी तरीके से ये पेंशन मिली है। तो जो डिफाइंड कंट्रीब्यूशन इसमें है, जबकि जो प्रीवियस पेंशन थी उसमें डिफाइंड बेनिफिट था, उसमें हर चीज क्रिस्टल क्लियर थी और कितनी मिलनी है, कब मिलनी है, कैसे मिलनी है, ये बात उसमें पूरी तय थी। जबकि इसमें प्योरली अनसर्टेन है, इसमें कोई भरोसा नहीं है कि कर्मचारी को पेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। पुरानी पेंशन बहाल करो, पुरानी पेंशन को बंद करके ये जो सरकार नई पेंशन योजना लाई है, इसमें जो गणित दिया है वो तो बड़ा लुभावना है लेकिन बहुत बड़ी जोखिम है। असली जोखिम क्या है कि जब आदमी मंथली बेसिस पर काम कर रहा है, हर महीने तनख्वाह ला रहा है, तब तो उसे कोई तनाव होता नहीं है, लेकिन जो जो वो रिटायरमेंट की तरफ बढ़ता है तो उसे अपने बुढ़ापे की चिंता सताने लगती है।